हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, हमारे प्लांट की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। हमारे प्लांट्स को तेज़ धूप में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इन्हें बचाने के लिए हमें इन्हें शेड प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने कुछ प्लांट को शेड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं अपने कुछ प्लांट को अपने घर के मेन गेट पे एंट्रेंस पे शिफ्ट की हूँ। और हम गार्डनर्स की यही कोशिश होती है कि हम कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को रख पाएँ। ये देखिए, मैंने प्लांट मनी प्लांट की कुछ कटिंग प्लास्टिक के बोतल में लगाई थी और इसे सिरेमिक पॉट में डाल कर रखा है, और ये बहुत सुंदर लुक दे रहा है मेरे एंट्रेंस को। सबसे ऊपर मैंने एलोवेरा का प्लांट लगाया है एक सिरेमिक पॉट में, और ये मेरा एरेलिया का प्लांट है जो आराम से छाया में भी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये प्लांट स्टैंड मैंने अपने घर में ही बनवाया था। हमारे घर में कुछ वेस्ट बचे हुए थे जब हमारे यहाँ फर्नीचर का काम हुआ था, तो आमतौर पे हम इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों को जला देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसे यूज़ करके एक प्लांट स्टैंड बनवाया। देखिए, इन्होंने कितने छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके कितना प्यारा सा प्लांट स्टैंड मुझे बना कर दिया है। इस छोटे से प्लांट स्टैंड में कितने कम स्पेस में हम कितने ज़्यादा प्लांट को प्लेस कर पा रहे हैं। ये देखिए, मेरा पीस लिली का प्लांट मैंने बालकनी में रखा था, इसके एजेस ब्राउन हो रहे थे धूप के कारण। अब मैंने इसे यहाँ स्ट्रेट में शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए, एक बड़ा सा फ्लावर ऊपर और यहाँ नीचे दो फ्लावर्स और आ रहे हैं इसमें। ये पेपरोमिया भी मेरा बालकनी में था जो धूप से इनकी पत्तियाँ झुलस रही थी, अब मैंने इसे भी सेट में शिफ्ट कर दिया है। और ये मेरा स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट तो आराम से छाया वाली जगह में सर्वाइव करता है, और इसे कुछ ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं है। ये स्पाइडर प्लांट मेरा साउथ फेसिंग विंडो के सामने रखा हुआ था, और गर्म धूप से ये ख़राब हो रहा था। अब मैंने इसे शेड प्रोवाइड करवाया तो नीचे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। और ये सिंगोनियम तो मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है शेड वाली जगह में। और नीचे ये स्नेक प्लांट की ड्रॉप वैरायटी है, इसे भी कुछ ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, ये कम धूप में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन हार्टली प्लांट जो मैंने रिपॉट करके कुछ दिनों पहले आप लोगों को दिखाया था, जिस दिन मैं इसे रिपॉट की थी और लाकर बालकनी में शिफ्ट किया, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी और साथ में बर्फ के ओले भी पड़े थे, और ये प्लांट मेरा पूरी तरह डैमेज हो गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे सर्वाइव कर चुका है। ये सिंगोनियम, ये जनाडू फिलोडेंड्रॉन जनाडू भी मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये एक प्लांट मैं लाई थी, इसे डिवाइड करके मैंने दो प्लांट बना लिए हैं, और ये मुझे बहुत मेरा फेवरेट प्लांट है। ये सिंगोनियम की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, सिंगोनियम को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, ये कम धूप में आराम से चलता है। और ये मेरा मनी प्लांट की भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। देखिए, इसमें इतनी लंबी लंबी ब्रांचेस निकल गई हैं, इन्हें मुझे कट करना होगा। और ये मनी प्लांट भी मेरा बालकनी में थोड़ा सा इधर तिरछी धूप इनमें पड़ रही थी, तो इनके लीफ के एजेस थोड़े ब्राउन हुए हैं, लेकिन अब मैंने इसे शेड में शिफ्ट कर दिया है तो ये अब अच्छी ग्रोथ करेगा। और भी मेरे कुछ प्लांट हैं जो मैंने सीढ़ियों पे शिफ्ट किए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये प्लांट स्टैंड और ये मेरे प्लांट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ मेरे कुछ प्लांट, तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।